हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई टिक्का। इसके लिए मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी अच्छे से ड्रेन कर ले, उसमें थोड़ा सा दही डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, कसूरी मेथी क्रश करके डाला है, नमक सिर्फ चिकन के हिसाब से डालिएगा, अभी थोड़ा सा विनेगर या इसके जगह में आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मुर्ग काली मिर्च कबाब मसाला, ये मेरे पास था तो मैं इसको भी डाल रही हूँ। आप ये नहीं भी रहेगा तो आपने ब्लैक पेपर यूज़ किया ही है तो भी चलेगा, लेकिन ये डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, ट्राई कीजिएगा। और इसको मैरिनेट कर लेते हैं, अच्छे से पूरे एक एक पीस में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, ऐसे मैरिनेट कीजिएगा। और हाँ, इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई। ये है अदरक का पेस्ट, ये है लहसुन का पेस्ट, ये दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। और इधर पैन में मैंने घी डाला है, घी से हम इसको पहले टिक्का बनाएंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे इसको। पूरा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको हम इस घी से फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक उसमें रेडिश कलर ना आ जाए और पूरा वो ड्राई ना हो जाए इसका ग्रेवी पूरा, उसका जो अभी आप डालेंगे जब फ्राई करने तो जो दही डाला है आपने उसकी वजह से वो लिक्विड हो जाएगा पूरा, लेकिन वो पूरा ड्राई होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। और अच्छे से कटोरी को अच्छे से क्लीन करके उसमें डाल दीजिएगा पूरा मैरिनेशन, थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो। और इसको उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कीजिएगा। ये मैंने एक साइड पलट दिया है, बस एक साइड ये कुक हो चुका है, फिर भी इसमें कलर नहीं आया अभी तक। और आप देख सकते हैं नीचे जूसी जूसी टेक्सचर है, तो हमको वो पूरा ड्राई चाहिए इसलिए। तब तक हम एक और मसाला बना लेते हैं। प्याज डाला मैंने, उसमें चार मिर्ची डाली है, हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा काजू और दही। इस चारों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट। और इधर इसको भी चलाते रहते हैं, ये भी ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं एक एक तरफ से रेड होके निकल चुका है। इसको एक और साइड पलट देते हैं, उस साइड भी वो थोड़ा गोल्डन कलर का हो जाए तो हमारा रोस्टेड चिकन रेडी हो जाएगा। ये हमने टिक्का पहले बना लिया, उसके बाद इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। और इसमें हल्दी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए ये वाइट टेक्सचर में रहना चाहिए। तो ये हमने जो भी मसाले डाले हैं उसकी वजह से ये पूरा वाइट तो नहीं होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, पर फिर भी हम इसमें हल्दी ऐड नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट भी हो चुका है, कुक भी हो चुका है, हाफ डन, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो ये कुक हो ही चुका है, अच्छे से फ्राई हमने कर लिया। अब इसको निकाल लेते हैं अपने बाउल में। बाकी उसको निकाल लिया मैंने, अब इसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं। रिफाइन ऑयल का यूज़ किया मैंने, इसमें सरसों तेल का यूज़ नहीं किया है इस बार। और इसमें तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी और दो छोटी इलायची हमने फोड़न में डाली है। अब ये थोड़ा सा चटक जाए, उसके बाद ही जो वाइट हमने मसाले रेडी किए थे पेस्ट उसको पूरा डाल देते हैं। और मिक्सी जार को धो के भी आप पानी उसमें डाल दीजिएगा, मसाले वेस्ट नहीं होंगे और पूरे मसाले आपके यूज़ भी हो जाएंगे। और अच्छे से इसको चलाते रहिए, थोड़ा सा वो पानी धो के भी मैंने डाल दिया मिक्सी जार। अब इस मसाले इसको हमें अच्छे से भुनना है जब तक ये इसमें से तेल ऊज आउट होना ना स्टार्ट हो जाए, अभी तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है। हमने पैन यूज़ किया है, सेम पैन ही यूज़ किया है, नया कोई फ्रेश नहीं लिया, जस्ट फ्राई करने के बाद उसी में हमने। अब ये हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर
ये है वही मुर्ग काली मिर्च कबाब मसाला। फिर से ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, धुएं के वजह से अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था, फोकस नहीं ले रहा था। ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये चाट मसाला अच्छे से यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें एक चम्मच घी मैंने फिर से डाला, ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस कर देगा। ये है ही मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, तो इसके लिए इसमें ये सारी चीज़ें पड़ती ही है। सबका रेसिपी अलग अलग होता है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पर इस टाइप से ज़रूर यूज़ एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत काफ़ी सारी प्रेजेस मिली है इसके वजह से, इसीलिए मैं आज इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे जब तक हमारा साइड से तेल नहीं निकलने लग जाता। और इस ग्रेवी के लिए हम नमक ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा पहले भी आपने चिकन में नमक डाला था मैरिनेशन के टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप इसमें भी डालिएगा। उस टाइम मैंने चिकन के हिसाब से बोला था, अभी हम ग्रेवी के हिसाब से डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तेल ओज आउट हो गया है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसीलिए हम जो रोस्ट करके रखे थे जो चिकन हमारे टिक्के बना के हमने रखा था, उसको भी हम डाल देते हैं उसके साथ, और अच्छे से मसाले को उसके ऊपर कोट करेंगे, एक एक पीस में सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी चिकन है वो इस सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब करेंगे धीरे धीरे। और इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे कि जो लेफ़्ट ओवर हमारा चिकन कुक होना बाकी है वो इस पानी से स्टीम में कुक होगा। इसलिए पहले मसाले को अच्छे से कोट कर लिया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने पानी डाल दिया, आपको ग्रेवी जिस हिसाब से रखनी है आप उस हिसाब से ग्रेवी में चिकन में पानी डालिएगा। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप नमक का भी ध्यान रखिएगा और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाइएगा। ये इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड होगा, ये तो जस्ट हमने मिलाने के लिए डाला है, अब और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ढक देंगे कि ये थोड़ा लो फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू हाई फ्लेम में ये कुक होगा। पहले आप इसको मीडियम में रखिए फिर इसको हाई में रखिएगा। चलिए अब चेक करते हैं, थोड़ी देर बाद हमारी ग्रेवी थोड़ी सी कम हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, ये मैंने क्रश करके डाला, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। यहाँ आप चाहें तो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो पाउडर होता है, गोलकी पाउडर जिसको बोलते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा तीखापन चाहिए तो। अदरवाइज़ आपने इसमें पहले भी ब्लैक पेपर पाउडर डाला था चिकन में, और हमने मिर्ची भी पीस के डाला है, तो लगभग थोड़ा सा स्पाइसी तो ये ऑलरेडी है ही, पर इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि और ज़्यादा तीखा होना चाहिए तो आप इस जगह में ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन भी कुक हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर की बारी, इसको फिर से ढक देते हैं। और इसमें हम एक स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए अब इसमें देखिए पूरा तेल बाहर आ गया है, घी बटर जो घी है वो बाहर आ चुका है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर डालने के लिए पहले एक प्लेट को रख देते हैं, उसमें मैंने अपना चारकोल जलने के लिए रखा था, चारकोल को इसके ऊपर रख देंगे जलता हुआ, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के उसमें जो धुआं निकलेगा वो धुआं को हमें इस चिकन में अब्सॉर्ब कराना है। इसलिए आप चिकन में इसको डाल के और तुरंत ही ढक दीजिए ताकि इसका जो धुआं है इसके ऊपर पूरा अंदर कवर हो जाए। इसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। और ये बस स्मोकी फ्लेवर, इसका स्मोक्स पूरा चला जा चुका है, तो आप
इसको अब प्लेट को निकाल लीजिए बाहर। ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी गर्म होता है। बस गैस का फ्लेम बंद करके इसमें आप मलाई की जगह में फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। आपकी मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का रेसिपी रेडी है। थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए बस, और ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पत्ता घर से गार्निश करेंगे। चलिए आज की रेसिपी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।